चलिए तीसरे मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। टंगराज अब बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर। इसको जा पहुंचता हुआ 6 रनों पर। आखिरी बॉल स्विंग नीचे डाउन होता हुआ, बल्लेबाज गॉड विकेट गिरता हुआ, मधु संगीत आता हुआ, कमांड लीजिए। शुक्रिया डीजे। रमाशंकर न्यू बैटर मैदान पर आएंगे। अंकित और शोएब आए थे बल्लेबाजी के लिए। शोएब लौटे हुए मैदान पर, पहला विकेट गिरता हुआ। रमाशंकर न्यू बैटर मैदान पर दाखिल हो रहे हैं। लाजवाब और अब्दुल अंकल शुरू 7 और 8 हो इधर ही। ऑल इंडिया के तमाम खिलाड़ी और उसके बाद सांता को गोरेगांव के मैदान पर आप देखेंगे। प्रहार शीर्षक एक बेहतरीन गेंद ही टपा गिरने के बाद स्विंग एंड मिस, गेंद विकेट कीपर के दस्ता में डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। बड़ी बड़ी इनामों की राशि के टूर्नामेंट आने बाकी हैं। 1 फरवरी से इसी नारंगी के मैदान पर एनसीसी ट्रॉफी खेली जाएगी। स्वीप करना चाहते थे मगर लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर घूमेंगे, व्हाइट का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, रन संख्या 7। बहुत ही बेहतरीन हम देख रहे हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी अमन स्पोर्ट की जानिब से। हमारे अब्दुल अंकल, हर बार विरार की नगरी में टूर्नामेंट हो तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है तुकार मंगल सर जी के द्वारा, और वाकई में जैसे अब्दुल अंकल भी हैं, हर ट्रॉफी से आप देख रहे हैं कि बेहतरीन चमचमाती हुई। पहला ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी है इस मैदान पर 7, 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है टीम इस मैदान पर। शुक्रिया फतेमे शाह के गेंदबाजी पर। अब बल्लेबाजी का जलवा दिखाना होगा बल्लेबाजों का। अंकित है और रमाकांत, रमाशंकर है नॉन्ग साइड पर। प्रथमेश आए गेंदबाजी पर। चलिए ज्यादा वक्त जा रहा है, 1-1 घंटा एक मैच को जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। 13 मुकाबले पूरे करने हैं शाम तक, ये ध्यान में रखिए। पहली गेंद ऑस्टम के बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा, इसको जा पहुंचता हुआ 8 रनों पर। परमेश गेंदबाजी पर है। अच्छी गेंद ड्राइविंग का डाउन खेलना चाहते थे मगर बैट का हेड लगा गेंद गली रीजन पर गई, विकेट कीपर जाकर दूसरे रन की मांगे, रनआउट का मौका बन सकता था, गलत एंड बैट है। बैकअप नहीं तो आपका पैकअप भी है, बैकअप करना है। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 1-0-10। 10 रनों पर कंटेनर टीम आगे पहुंचती हुई, 1 विकेट गवाया है। कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, यस नो फेट, एक कॉल टूटा आपका दिल टूटा, मैदान के बाहर भी आएंगे। पदमेश की अगली गेंद, अंकित अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद स्विंग एंड मिस होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, ये जवाब मिलेगा। अनिकेत है स्ट्राइक पर, क्षमा शंकर नॉक स्ट्राइक पर है। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर नो का इशारा आया है। ये टूर्नामेंट है सुपर हीट, अगली गेंद है फ्री हीट। मराठी में कहावत है दोस्तों, उगड़ा डोए पानी पुरचा चेंडो आए फ्री हीट। बल्लेबाज को मौका आया है, ये मौके बार बार नहीं आते, मौका आया है बना दीजिए, बन जाएगा मैच बनाने का मौका मिल जाएगा।
शॉर्ट गेंद पुल कर दी आउटसाइड पर, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, डीप पर पोजीशन है। जब तक गेंद को फील करते थ्रू आता है, दो रन निकालने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस दो रन के साथ स्कोर आगे सकता हुआ 13-13 रनों पर। तेरह रन हुए हैं। फिर शॉर्ट गेंद पुल कर दी है, गेंद उछाली, खिलाड़ी जा रहे हैं, कैच बनेगा तो मैच बनेगा, क्या ड्रॉप, हाथ में गेंद लगी थी मगर गेंद सीधी छुट्टी हुई जमीन को धरती होती हुई और दो रन के साथ मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। क्या बेहतरीन ट्राई किया था, एफर्ट देखिए, एफर्ट होने चाहिए, एफर्ट बनाएंगे तो ये मैच भी बनाने का मौका मिलेगा। कैच विन द मैच है मगर एफर्ट आपको 100% मैदान पर देने हैं, क्योंकि आप 99 देंगे तो इस मैदान पर जीरो बन जाएंगे। अब रिवर्स के अंदाज में देखिए, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे मगर वहां पर उंगली को उल्टा किया, तकलीफ पैदा हुई मैदान पर अनिकेत के लिए। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, बैकअप होता हुआ प्रथमेश द्वारा गेंदबाजी पर है, दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए फेंक रहे हैं। स्कोर है 14-14 रनों पर। चेंजअप पे से वेरिएशन थी, लास्ट जवाब गेंदबाजी का नजारा प्रथमेश द्वारा, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 1/15, एक विकेट के नुकसान पर प्रथमेश अलमेदा। लाजवाब बल्लेबाजी का जलवा होता हुआ। दीपक आएंगे गेंदबाजी पर तीसरा ओवर लेकर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बार है, नो बॉल का इशारा आया है, अब बल्लेबाज के लिए मौका आया है। रमाशंकर सर जी, अगर ये मैच को बनाना है तो इस गेंद को सीमा रेखा निकालनी होगी, आपके पास एक ही ऑप्शन है सिर्फ रनआउट का, मगर यहां पर सिक्सर आएगा तो ये मैच बनाने का मौका मिल जाएगा। रमाशंकर अगली गेंद से तैयार, फिर फुल टॉस गेंद, नो का इशारा आया है और गेंद जा रही है थर्ड मैन पर, ये नारंगी का मैदान है, आउटफील्ड फास्ट है, गेंद नहीं रुकेगी, सी मारेगा बाहर, 1+4। डीजे वापस गेंदे भीमा ने, फिर का मौका है रमाशंकर सर जी के पास, करना होगा, फिर नो का इशारा आया है, नो बॉल नहीं दिया गया है, एक ही रन मिलेगा। टॉस गेंदी, गेंद को मोर दिया मेरा पर, जब तक इनको एक रन जरूर मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर जा पाता हुआ 23-23 रन ओवर। ये इलेक्शन के बारे व्हाइट का इशारा है, ये गेंदबाजी होगी तो ये मैच आपके लिए नहीं बनेगा, क्योंकि लड़ना होगा, पसीने गवाने पड़ेंगे। अच्छी गेंद थी रमा का, रमाशंकर के लिए, किनको मोड़ दिया ऑनसाइड पर, गेंद जा रही, जब तक मैदान से खिलाड़ी सफल हुए, दूसरे रन की मांग है, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, एक को दो में तब्दील, खराब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। ये हमें सुबह से चर्चा की है, फील्डिंग का मुद्दा एक बेहतरीन अंदाज में करना होगा, यहाँ खराब होगी तो ये मैच गंवाएंगे। अब फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के सर्कल पर से खेला, वाइड लॉन्गर पर गेंद को फील किया जाएगा, एक रन जरूर मिलेगा, वाइड लॉन्ग ऑन, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सादी जारी जुड़ रही है दो बैटर के द्वारा, स्कोर है 27। रिवर्स के अंदाज में गेंद को फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फर्रार कमांडी है। गावा गावा
नकीजा एक का वादा राजू राणा और दोस्तों जरूर का आगाज मैदान पर आप देखने जाएंगे। रतन बुआ ट्रॉफी 2024 का महासंग्राम एक बार आना बाकी है, इसको जा बोतवा 33 रन ओवर। फुल टॉस गेंदी गेंद को मोड़ दी आउटसाइड मिड विकेट पर गेंद जा रही है, खिलाड़ी गेंद को फील कर पाएंगे। एक रन दूसरे रन की मांग है, आप बल्लेबाज वहां पर गेंदबाज ने कर दी है गलती, गेंद को करेक्ट नहीं कर पाए और दो निकालने का मौका। स्कोर नंबर जॉब होता हुआ 35 पर 3 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदे मैदान पर है, क्या होगा क्या नहीं, कितने रनों का टारगेट दिया जाएगा, एक ब्रेक के बाद आखिरी ओवर की कहानी को लेकर आएंगे। कमांड लीजिए शुक्रिया। आखिरी ओवर लेकर जदीप तैयार हो रहे, जदीप साहब बेहतरीन गेंद, जदीप सर जी की बेहतरीन गेंद थी, रमाशंकर वहां पर है थोड़े से फसल कर रहे हैं। अच्छी खेल वहां पर विकेट कीपर ने गलती की है, ये गलती कितनी महंगी साबित होगी, चुकीला माफी नहीं, बाय का इशारा अंपायर और आया है, कहते हैं ना मैदान चुकीला माफी नहीं, मित्रानो मैदान पर ये गलती, एक एक रन बहुत कीमती है, जीवन साला का एक मार्क्स, राजनीति का एक मतदान कितना कीमती है, हमारे नगर सेवक खासदार आमदार को जाके पहुंची है। बड़े मुकाबले बिग फाइट बिग लड़न है, मगर एक एक रन बचाने हैं, और सुबह में तुकान सर जी ने कहा था कि ये फील्डिंग का नजारा अच्छी तरह से करना होगा, खराब फील्डिंग होगी तो ये ट्रॉफी तक जाने के लिए विनंती भी नहीं मिलेगी, और 365 दरवाजे खटखटाने होंगे इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि लड़ना होगा, पसीने गवाने बनेंगे दोस्तों, ये मेहनत करनी होगी। खदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन में खेल दिया, गेंद आती हुई लगा था रिजम पर, जब तक इनको फील किया जाएगा, एक को दो में तब्दील, मगर रन आउट का विकेट गिरता हुआ, बल्लेबाज रमा शंकर गॉन, विकेट गिरता हुआ मधुसूदन की तरफ। शुक्रिया डीजे, थैंक यू, धन्यवाद आलेला तमाम क्रिकेट रसिकंत प्रेक्षकंत आलेला पाहुण्यांत आरडीओ प्रीमियर लीग 24 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। शिवशाही गेंद, ये खराब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, व्हाइट बॉल का इशारा आया है, धाव संख्या हम बात होता रहा 38 38 जवाब हम बात है। ओ अच्छी गेंद थी, मगर ऑस्टम छोड़कर वाइट का इशारा, वाइट ही होकर डालने का प्रयास था, मगर गेंद ऑस्टम वाइट लाइन छोड़कर जाती हुई, वाइट का इशारा बाहर जाता हुआ, स्कोर 39 रन पर जाता हुआ, 39 जवाब बात है। ओ अच्छी गेंद, सफल होकर खेलना चाहते थे फाइन लेग पर, बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं, सलामी के लिए आए हैं अंकित है स्ट्राइपर, लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दो गेंदों का आखिरी गेंद बाकी, कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे, अंपायर का निर्णय होगा आउट, बल्लेबाज गॉन, विकेट की तावा मधु संगीत बसता हुआ। तुरतो पक्षांचा थवा, अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मंदाबाईची सावा। We'll be right back.
थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर गए, नाम बताना होगा। पति गए न्यू बैटर मैदान पर। रफीक न्यू बैटर गए हैं, रनआउट का मौका अभी भी है। अंपायर का क्या निर्णय आएगा? यस, उंगली उठी हुई और बल्लेबाज को जाना होगा। जैसे बल्लेबाज आए थे मैदान पर, व्हाइट बॉल का इशारा जरूर है, एक रन जरूर मिलेगा, मगर बल्लेबाज को लौटना होगा। चलिए बल्लेबाज आइए मैदान के बाहर, आउट दिया है बल्लेबाज को। अनिल ने बैटर मैदान पर दाखिल हो रहे हैं। रफीक आएंगे तो अनिल जाएंगे मैदान पर। रोहित नाम है नहीं बैटर मैदान पर। आखिरी बॉल और अच्छी गेंद विकेट के ऊपर से मन ला दी हुई। ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त। रन संख्या बनी है 41 रनों का टारगेट है। मुझे 10 के रन से बल्लेबाजी का जलवा दिखाना, जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाला समय तय करेगा। मगर नेक्स्ट मैच दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए। चलिए आइए किंग सलीबन बना टाइगर टी। सदा धोनी करना था रिया नाव नानेफी की साड़ी टॉस करना साड़ी अपने विनंती करते काही करा मैदान आलेले पाहुण्यांच्या सुभासे हा नानेफी तो खेळ आपण पाहणार होता। किंग सलीम इलेवन बना टाइगर टीम के बीच मुकाबला होगा। बी ग्रुप का आखिरी लीग मैच का ये पहली फेरी का मुकाबला है। फिर विनर विनर लूजर लूजर लाजवाब मुकाबले होंगे। ए में के विनर विनर, ए में के लूजर लूजर, बी के लूजर लूजर और बी के विनर विनर, लाजवाब क्रिकेट की मुकाबला है। चलिए शाकिर आ चुके हैं, हम उनका दिल के गहरे से इस्तकबाल करते हैं। आज भाई यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, उनको भी हमारा सलाम आकर डीप एंड लाइव पे तमाम हमारे दर्शक जुड़े हैं, तमाम दर्शक देख रहे हैं, उनको हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। रिक्षा स्क्रॅप करण्यामध्ये 2014 पासून मी याच्यामध्ये काम चालू केलं। त्याच्यामध्ये खूप वगैरे साहेब वगैरे आमचे जे काम करणारे प्रतिनिधी वगैरे जे आहेत सभासद वगैरे भेटले आम्हाला, तर त्याच्यातून आम्ही काम करत गेलो। एकमेकांचं जे काय असेल ते सहकार्यांनी मिळून जुळून सगळ्यांनी आम्ही एकत्र येऊन केलं। पण याच्यामध्ये 2022 आमचे रईसबाई यांनी एक क्रिकेटचा एक पर्व भरवला, त्या पर्वाच्या माध्यमातून आमच्या जेवढे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्यानी एकमेकांनी संबंध आले, त्यांची ओळख झाली, त्याच्यानंतर आमचे काही आरटीओचे अधिकारी आहेत त्यांच्याबरोबर आमची ओळख झाली, तर तेव्हापासून मला जरा जास्तच ओळखायला लागले। त्या एकमेकांना आम्ही सगळे समजून घ्यायला लागलो, जाणून घ्यायला लागलो। आणि ह्या माध्यमातून जे रईसबाईंनी विरार मोटरवाले त्यांनी एक घडवलं काही काहीतरी एक नवीन करावं, तर त्या हिशोबाने एक क्रिकेटचा खूप चांगला म्हणजे खूप चांगला सामना भरवला। त्याच्यासाठी खूप काही त्यांनी पण मेहनत घेतली, आम्ही पण मेहनत घेतली, तर त्या हिशोबाने एक वर्षातून म्हणजे एक एन्जॉय म्हणून थोडंसं फ्री माइंड, एक थोडंसं बॉडी वगैरे हेल्थला वगैरे चांगलं राहावं, एकमेकांचे संबंध द्यावे, आणि असं करता 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 आम्ही परत दुसरं वर्ष केलं। आता जे आहे तिसऱ्या वर्षाला जरा आम्ही थोडं आणखीन काही चांगलं केलेलं आहे, तर त्याबद्दल ज्या ज्यांनी आम्हाला मदत केली आहे, ज्यांनी सहभाग घेतलाय त्यांचे सगळ्यांचे आभार। आणि ह्या क्रमातून असं खूप छान वाटतं का एकमेकांची ओळख पण होते, एक छंद पण होतो, एकमेकांना ओळखायचं पण होतं। आणि या याच्यामधून माध्यमातून असं वाटतं का हे खूप म्हणजे खूप चांगलं काम केलेलं आणि खूप चांगलं आहे। तर रईसबाईचे पण धन्यवाद, सगळे जे जेवढे मंडळी जे आहेत त्याच्यामध्ये जेवढे प्रतिनिधी आहेत त्यांचे सगळ्यांचे मी आभार मानतो। तर याच्यासाठी आपण जीतेंगे जियेंगे और जुडेंगे, तो ये एक मेरा एक नारा है। जय महाराष्ट्र।
नमस्कार, मी दिनेश विश्वनाथ सामंत, दिनेश मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलचा संचालक. आपण या वसई तालुक्यामध्ये गेली 40 वर्ष एस ट्रेनिंगचं काम करत आहे व आपल्याकडे या परिसरामध्ये त्यावेळेला काहीही नसताना सुद्धा आम्ही लोकांनी ट्रेनिंग चालू करून चांगल्या पैकी सुसज्ज ज्या सोयी केल्या आणि ते 40 वर्ष आम्ही लोकांनी केली. आता या प्रीमियम चालू झाले, या प्रीमियमच्या ह्याच्यामुळे काय झालंय की ज्या दगदगीमध्ये बऱ्याच वेळांना मुलांना काही मिळत नाही त्यावेळेला हे सगळे एकत्र येऊन एक चांगल्यापैकी भरभराट व्हावं अशा ज्या काही गोष्टी करतायत त्याला आमच्या शुभेच्छा. आज इकडे आल्यानंतर जी काही माझी जुनी स्नेही आहे जे संचालक मंडळामध्ये बरेच आहेत तसेच आम्ही मिळालो आणि त्याच्यामुळे इकडे येऊन एक प्रकारचा वेगळा आनंद निर्माण झाला. असाच आनंद कायम टिकून राहू दे अशी विनंती. या लिंकचं आयोजन रईसनी केलेलं आहे की आमच्या विरार मोटर ट्रेनिंग स्कूलचा जुना संचालक, तर त्याचा पण माझा त्याच्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे की असाच काहीतरी पुरस्कृत करत राहावं आणि नवीन नवीन गोष्टी करत राहाव्या. व तसं आहे परिवहन कार्यालय, परिवहन सल्लागार व कमिटी यांनी जे काही आयोजित केलेलं आहे असाच कार्यक्रम दरवर्षी त्यांनी व्यवस्थित करावा आणि एकोपा सगळ्यांमध्ये ठेवून हा परत असे प्रोग्राम करत राहावे. ऑल द बेस्ट. आजच्या तारखेला इकडे ज्या काही टीम आलेल्या आहेत ज्या टीमनी व्यवस्थित खेळून सगळ्यांचे सहकार्य करून आपला एकोपा कायम ठेवा आणि जे काही कोणी जिंकतील याच्यामध्ये सगळ्यांनी आनंद मानावा. टूर्नामेंट हर साल की तरह 23वां साल था, एक बेमिसाल टूर्नामेंट. आइए चलिए मैच शुरू करना होगा. 24 गेंदे हैं और रन चाहिए मैदान पर 41. 10 किलोमीटर से बल्लेबाजी करनी है. डीवन लाइव कवरेज आप देख रहे हैं बेहतरीन, और हमारे कैमरामैन अब हरीश सर जी एक बेहतरीन व्यक्ति है और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस मैदान पर मैच का फुल से आनंद उठाए और आने वाली तमाम टूर्नामेंट का आनंद भी लें. जैसे जैसे इस मैदान पर टूर्नामेंट के आगाज होंगे तो आपको डीवन लाइव टकरा दबाना होगा और सीधा आपको प्रदर्शन होता पता चलेगा कि टूर्नामेंट का आगाज किया जाएगा. पहली गेंद थी वहां पर अष्टम के बाहर, अंपायर घूमेंगे, व्हाइट का इशारा आता हुआ दिशाई से खाता खुलता हुआ. अंगराज स्ट्राइक पर है, अनिल लॉन्ग स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी पर गेंदबाज है महेश. पहली गेंद दिशाई से आई है, बेहतरीन शॉट था, बैकफुट पर गए खिलाड़ी, वहां पर बढ़ गए दर्शक. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार. डीजे पहली गेंद दिशा, इसके बाद एक बैकफुट पर जाकर पंच और पॉइंट और कवर की खिलाड़ी को चीती गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए फरार. अनराज के बल्ले से आया एक बेहतरीन चौका और एक बेहतरीन गेंद थी, गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है पॉइंट के क्षेत्र में, खिलाड़ी ने जम लगाई है, गेंद को रोका है, एक रन को रोकने में नाकाम रहे. बेहतरीन फील्डिंग का नजारा हुआ, 6 रन स्कोर बोर्ड पर लगे, 41 का मामला है, 35 रन बनाने हैं. युवराज आपको नीचे खड़े रहना होगा. क्लीन बॉल, फिर विकेट डॉन, बल्लेबाज गॉन होते हुए विकेट की दावा, मधु संगीत दावा. थैंक यू डीजे. अनिल सर जी खाता भी नहीं खोल पाए, बिना शून्य का चश्मा पहन के मैदान ढक पड़ा. न्यू बैटर मैदान पर गए हैं, 40 का टारगेट है, 35 बनाने हैं अभी भी.
न्यू बैटर मैदान पर वाक्सर जा रहे हैं। नाम बड़ा है वाक्सर। टॉस गेंद बनाकर खेलना चाहते हैं बैट का, इस जगह थर्ड मैन पर गई है, एक रन निकालने का मौका आ जाएगा। वाक्सर जी है स्ट्राइक पर थे, अब राज आएंगे। बेहतरीन बल्लेबाजी की, 28 नंबर की जर्सी आप देख रहे हैं। इस ओवर की बात एक मैन मैच का खिताब दिया जाएगा। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ से खेल दिया, गेंद ऑन साइड पर आती हुई, एक रन जरूर मिलेगा एक रन के साथ। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला टीम की रन संख्या बनी है इस मैदान पर 8। थैंक यू डीजे। चलिए युवराज अब नीचे आए हैं हमारे अतिथि मेहमान विजय गेतले सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आम हमारे मैदान पर आए हैं, आपकी शुभातों से ये मैन ऑफ मैच का अवार्ड, अपना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 8 फरवरी 2024 मध्य बात MH48 वसई एक सुंदर सी स्पर्धा आयोजन निवेदन करता ना, तीसरा पर्व अपू बात है, एक बिग फाइट बिग लड़त आप देख रहे हैं। तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पॉइंट कवर और युवराज नेक्स्ट मैच के लिए भी आपको बधाई, बेहतरीन बल्लेबाजी आपने की है सर जी, आपका वेलकम है स्वागत है। और हमारे तमाम मेहमान आए, इस टूर्नामेंट की शोभा आई और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगते हुए तीसरा सीजन बेमिसाल होता हुआ तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। आरटीओ प्रीमियर लीग 2024 का थरार है और ये थरार का ये तीसरा मुकाबला है, 41 बनाने आज बने पहली ओवर में, अभी भी मुकाबला बैलेंसिंग है। फुल टॉस गेंद इनों का इशारा आया, गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से बैठ रहा स्टिकर पर लगती हुई गेंद थर्ड मैन पर गई है, दो रन निकालने का मौका आ जाएगा। इस दो रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 10-11 रनों पर जाता हुआ 1+2 3 रन जुड़े जाएंगे, 11 बने अभी 30 बनाने हैं, 18 गेंदों का खेलाना बाकी है, 18-30 दावा। टॉस फ्री हिट की खराब फील्डिंग करना जा रहा था, वहा फ्री हिट की गेंद को सीमा रेखा दिखाना थी मगर गेंद मिड ऑफ पर थोड़ी से खराब फील्डिंग का नजारा भेज होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर आगे सकता हुआ 12-12 रनों पर। वाक्सर स्ट्राइक पर अभी गेंद खेल तैयार, फुल टॉस गेंद दी, गेंद को मोड़ा है मगर गेंद हवा में, खिलाड़ी मिड ऑफ पर मगर ये क्या, ये तो लड्डू था गिरा दिया, ये क्या छूटा है कि ये मैच छूटा है, ये तो आने वाला समय देखेगा क्या मैचेस हैं, क्या नहीं छूटना चाहिए। अच्छी चेंजर फेसी पैडम पार में गेंद स्वीप कर दिया, गेंद आया हुआ में है मगर खिलाड़ी उससे ऐसे दूर से फ्लिक कर दिया था इस गेंद को, गेंद जा रही मिड विकेट क्षेत्र में, दो रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 15 रनों पर, 26 रनों की और दरकार है। फिर से गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर, अब खिलाड़ी है मगर खिलाड़ी रोक पाएंगे, रोका है गेंद को मगर दो रन रोकने में नाकाम रह जाएंगे। इस दो रन के साथ स्कोर में बढ़ती स्कोर जा पड़ता हुआ 17-17 रनों पर, 24 रनों की और दरकार है। 14 गेंदे मैदान पर अभी भी आना बाकी, 14 गेंदे 24 रनों की दरकार है। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला ऑन साइड पर, गेंद हवा में, यह कैच बनेगा, ओहो बेहतरीन प्रयास किए गए हैं मगर एफर्ट डे किए, लाजवाब एफर्ट डे, गेंद हाथ में लगकर जमीन को धरती होती थी और एक को दो में, दो को तीन में तब्दील कर दिया है, एक एक रन आपके लिए कीमती है।
और इस 3 रन के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 2020 21 रनों की दरकार है। 13 गेंदे आना बाकी है। किस का मामला है, शॉर्ट की दिविटा पर फील्डिंग हो जाएगी। आप बड़ा विकेट जाता हुआ, बल्लेबाज कौन, बड़ी मछली जाल में आती हुई, बल्लेबाज कौन। मोहन मामा का स्वागत हुआ है, सजी वेल आपका हार्दिक अधिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आरटीओ प्रीमियर लीग 2024 का थरार, अपुन आली या टूर्नामेंट की शोभा आली, अपुन आली या टूर्नामेंट में चार चांद लगता है। अपन तो मन पूर्वक हार्दिक अधिक स्वागत है, वेलकम स्वागत है। धाव संख्या झाली ती अपन पाहत होता 20, येणारे 12 चेंडू 21 धावांची गरज आहे। दोन्ही संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोन्ही टीमों को हार्दिक बधाई। बिग फाइट पिक लड़त आप देख रहे हैं नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर, नारंगी का मतलब नारंगी का बेहतरीन खूबसूरत मैदान है। हर टीम हर कमेटी चाहती हम खेले और बाकी में हर समाज का बेहतरीन बेहतरीन टूर्नामेंट का हम आकाश इस मैदान पर देखते हैं। 12 गेंदे हैं, 21 की दरकार है। 12 चेंडू 21 जावा, 21 जावा 12 चेंडू, किसके मुकाबले में झोला जाएगा, किसके मुकाबले की जीत होगी, मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है। बॉलर का नाम बताना होगा, निकिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पतले स्ट्राइक पर है, शॉर्ट गेंद खेला है, नो बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। पहली गेंद अब दूसरे रन की मांग है, यहां पर 1+2 मुझे 3 रन जुड़े जाएंगे। अब गेंदे है 12, रन आने बाकी है इस मैदान पर 17, 12 चेंडू 17 दावा। यही तो फील्डिंग क्वेश्चन मैंने कहा ना, अपनी निगाह मैदान पर रहनी चाहिए, मगर हम पार की निगाह से हम नहीं बच सकते। ये क्रिकेट का खेल है, ये जलून है, मगर जलून में आप होश ना खो जाएंगे तो ये मैच भी खो जाएंगे। नेक्स्ट मैच टॉस हो चुका होगा, जिसने फील्डिंग ली हो तो जल्द से जल्द मैदान का दावा लेना होगा, क्योंकि दोस्तों बराबर 12:15 बज चुके हैं, ज्यादा वक्त हो रहा है। 3 रन मिलेंगे यहां पर, प्रथमेश ने शॉट को खेला था, 2 रन पूरे किए गए हैं और स्कोर आगे सरकता हुआ 23। प्रथमेश स्ट्राइक पर चला, अनिल थोड़ी सी गाई करा मिजानो। 12 गेंदे हैं, 17 की दरकार है। बारह गेंदे 18 की दरकार है। पतंजलि अगली गेंद अनिल द्वारा आती हुई, ऑप्शन के बहुत ही बार गेंद वाइट का आएगा, फ्री ही जारी है मैदान पर। ये टूर्नामेंट है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, मगर क्या मौका है पद्मेश के पास, इस मौके को बनाएंगे, अनिल करने देंगे, पद्मेश कर पाएंगे। नेक्स्ट मैच दोनों टीमें तैयारी में रहे। बेहतरीन शॉट है, वापस पद्मेश का मिस्ट्राइन शॉट है, मिडा पा रहा, कोई खिलाड़ी नहीं, थर्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील किया जाएगा, दूसरे रन की मांग है और दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। अब गेंदे रहेगी मैदान पर 11 और रन आने बाकी रहेंगे इस मैदान पर अब 15।
एक रन शॉट दिया एम्पायर ने तो और टू इस कहानी में आता हुआ, 11 गेंदे और 16 रनों की दरकार। नेक्स्ट मैच दोनों टीमें कप्तान ध्यान में रखी है, जल्द से जल्द आपको फील्डिंग पर जाना होगा। जिन्होंने टॉस हो चुका होगा तो अनिल की अगली गेंद पदमेश के लिए आती हुई, यह दिशाई गेंद नो बॉल का इशारा आया है, विकेट के बाहर गेंदबाजी का नजारा होता हुआ। अब अगली गेंद है पदमेश के लिए फ्री हिट, मगर अब मौका आया है, ये मौके को बनाना चाहिए, ये मौके को बना डाला तो इस मैच को भी बना डाला, झिंगा डाला, वरना ये मैच के लिए तकलीफ हो जाएगी, परेशानी होगी, क्योंकि 11 गेंदों में बनाने अब इस मैदान पर सिर्फ 15 रन, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। वो चार का फासला है, दूर किया जाएगा या नजदीक किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, इस मैदान पर करना होगा, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। चेंज अप पेस्ट वेरिएशन दी गेंद को मोड़ा, गेंद को लेकर जारी, कोई खिलाड़ी ने गेंद बॉडी लाइन के बाहर निकल जाएगी, चार रन के लिए फरार, मिलेंगे रन, चार तो होगा बेड़ा पार। डीजे वाकी में लाजवाब मुकाबले है, देखे कहां फील्डिंग लगाई थी और कहां ख्याल रखा था, मगर पते में शांति थे कि गैप ढूंढने के लिए, और गैप ढूंढा और गैप से सीधा गेंद को बेच दिया सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए फरार होती हुई खबर आ रहा, इसको लेकर क्षेत्र में से गैप ढूंढते हुए सीमा रेखा दिखाते हुए, ये बल्लेबाजी का जलवा होना चाहिए। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं, ये ऑडियो प्रीमियर लीग 2024 का महासंग्राम चलता हुआ, तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, इसके बाद चौथा मुकाबला आप देखेंगे, फिर विनर विनर, फिर लूजर लूजर, क्या मुकाबले होंगे। लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम है, 13 मुकाबले होने हैं, जिसमें से 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल आप देखेंगे, मजे 10 मुकाबले तो लीग मैच के हैं, ये लीग मैच में कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन बनेगा इस मैदान पर सुपर पहला सेमीफाइनल में जाने वाली टीम, अनिल महंगे साबित हो रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद मिरापुर से जारी है, वाइडिश लौंगा पर खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील्ड आएंगे एक रन 200 रन को तब्दील करते हुए दोनों बल्लेबाज, इसको आगे सकता हूं शॉट लाजवाब अंदाज में, वाइडिश लौंगा पर गेंद को फील किया जाएगा, फिर से बफल हुए, दूसरे रन की मांगे मगर मना किया। चलिए इसके बाद हमारे 8 व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं, चलिए बेहतरीन मुकाबला है, 8 गेंदे 8 रनों की दरकार, वेरिएशन था, अब विकेट गिरता हुआ नजर आएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? चलिए निलेशा अनिल गेंदबाजी पर है, अब 7 गेंदे 8 रनों की दरकार है, पदमेश के ऊपर जवाबदारी भरती हुई, ये वेरिएशन खराब है, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा आया है, 7 गेंदे 7 रनों की दरकार है, 7 देने की जरूरत है, कौन देगा 7, एक बड़ा मुकाबला, बिग फाइट, बिग लड़त इस मैदान पर है,
यही तो क्रिकेट का खेल है ना, कभी खुशी तो कभी गम है। यहां पर ये मुकाबले में लड़ना होगा। फिर वाइड बॉल आया है, ये खराब गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजी खराब होगी तो ये मैच टू होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम एक सत्कार लेने जा रहे हैं हमारे तमाम मेहमानों का। छह गेंदे हैं मैदान पर, अब रन चाहिए मैदान पर, 5 रनों की दरकार है। नैन टांडेल हमारे बेहतरीन डीजे ऑपरेटर, और वाकई में आइए सर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उस सर जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, तमाम कमेटी मेहमान और रईस शेख सर जी की जानिब से रोजाना सर, और उसके बाद संदेश यादव बेहतरीन शॉट है, वाइड श्लोंगा पर गेंद हवा में, ये कैच बनेगा तो मैच भी बन जाता, 1-2 में 2 रन मिले जाएंगे। खराब फील्डिंग का नजारा, अब 5 गेंदे 3 रनों की दरकार है। किन विशर टीम 5 गेंदे और 3 रनों की दरकार है, 5 चिन्ह 3 धावा। खराब और गेंद जा रही है फाइन लेग पर, ये आउटफील्ड पांच गेंद निकल जाएगी क्या, रोका है गेंद को, जीत हासिल होती हुई नजर आएगी। और किन विशर एमटीएस फ्रेंड्स ने ये मुकाबला जीत लिया। हार्ड लक टीम बेहतरीन आपने खेल खेला, नेक्स्ट मैच होगा जरूर, मगर हमारे अतिथि मेहमानों का स्वागत सत्कार होगा। शुक्रिया डीजे। चलिए हमारे बीच तमाम हमारे मेहमान हैं, जगताप सर जी हैं, मैं विनती करूंगा जगताप सर जी को, जगताप सर जी का विजन दी, जगताप सर हमारे आगे आए कैमरेमैन में, संदेश सर चलिए थोड़ा आगे आइए तो हम हमारा सत्कार को पूरा करेंगे। हमारे जो मुंबई की